किसी ने सच कहा है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। ऐसी कहावतें शायद नांगल चौधरी के ढाणी बंधा वाली के प्राथमिक विद्यालय के हालात पर कहे गए होंगे। नांगल चौधरी के वार्ड नंबर 1 ढाणी बंधा वाली में स्थित प्राथमिक पाठशाला में न छात्र हैं, न ही छात्रों की उपस्थिति और न ही कभी कोई क्लास होती है। बावजूद इसके यहाँ पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति है, एक मिड डे मील वर्कर व एक चौकीदार भी रखा हुआ है। शिक्षक स्कूल तभी आते हैं जब उनका दिल करता है, अन्यथा इस स्कूल को देखने वाला कोई नहीं है। क्लासरूम में हर वक्त ताला लगा रहता है और शिक्षक अपनी हाजिरी दर्शाने जरूर स्कूल में दिखाई पड़ते हैं। ये हाल तो तब है जब खुद शिक्षा मंत्री इस जिले से हैं और रोज हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने का राग अलापते नहीं थकते। ये हाल शिक्षा का हब कहे जाने वाले महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी के एक लौते स्कूल के नहीं है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये झानी बयाला के स्कूल की, जिसमें एक टीचर, एक अभिभावक, एक जनप्रतिनिधि व एक छात्रा व उसके साथ आया उसी का छोटा भाई है। हमारी टीम ने 3 और स्कूलों का दौरा किया, जहाँ कहीं एक छात्र तो कहीं 2 छात्र ही नजर आए। इन स्कूलों पर राज्य सरकार का हर महीने लाखों रुपया खर्च आ रहा है, बावजूद इसके स्कूल की सूरत किसी गोदाम के समान नजर आती है। ढाणी बयाला व ढाणी बंजर के स्कूल में महज 6 छात्रों पर 4 शिक्षक स्कूलों में बैठे बिठाए वेतन पा रहे हैं, साथ ही मिड डे मील वर्कर, चौकीदार व चपरासी भी हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। जिन अधिकारियों पर ऐसे स्कूलों की सेहत सुधारने की जिम्मेदारी है, उन्हें यह तक नहीं पता कि स्कूल में छात्र हैं या नहीं है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से जब फोन पर इस बारे में पूछा गया कि बिना छात्रों के स्कूल चल रहे हैं, तो उन्होंने पहले कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, बाद में बताया कि वह खुद स्कूल की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। मामला गंभीर है, जबकि एक टीचर ने तो यहां तक कहा कि हमने कई बार लिखित में दे रखा है कि छात्रों की संख्या नहीं है, स्कूल को मर्ज किया जाए। और उसकी उन्होंने 13/7/18 को हमसे कोई सूचना मांगी थी कि भाई जहां जिस स्कूलों में 0 स्टूडेंट की संख्या है या 1 से 10 तक है, उनकी सूचना भेजने के बारे में, तो वो हमने मेल कर दी थी, सूचना दे दी है। ऐसी इस तरह की 8 स्कूलें थी हमारे ब्लॉक में, वो सूचना जा चुकी है। सर सूचना कब भेजी गई? ये सूचना भेजी गई थी जुलाई में। उसके बाद क्या रिस्पॉन्स है? अभी उसकी कोई कार्रवाई ये पता नहीं किस स्तर पर हुई, हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं। 14 जुलाई को हमने भेज दी थी। वैसे कितने बच्चे तक की स्कूल है जिसको मर्ज करने का प्रावधान है? नहीं, बच्चे जहाँ हैं 0% की, जो डायरेक्टर के आए थे निर्देश, वो 0% की थी, 1 से 10 तक के बच्चे थे। उनकी सूचना मांगी गई थी कि भाई कहाँ, जहाँ बच्चे नहीं हैं, शून्य हैं, उनको मर्ज करने की बात थी। तो सर प्रावधान भी तो होगा मर्ज करने का, कि भैया 5 बच्चे 7 बच्चे से कम हो तो 15 से कम? नहीं, ये तो अगर मान लो जहाँ बच्चे हैं फिर उनको दूसरी स्कूल अगर बहुत नज़दीक है तो मर्ज कर सकते हैं, दूसरा जो गाँव है। अभी हम एक स्कूल में जाके आए हैं जहाँ एक भी बच्चा नहीं है, 2 टीचर है, मिडिल भी बच्चे उनके, वो क्या था कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पे, और वहाँ 7 बच्चे थे, लेकिन अब वो कंस्ट्रक्शन हो गए बंद, और वो बच्चे सारे MP और बिहार के मजदूरों के थे, वो सब चले गए। तो मैं अभी उस स्कूल में होकर आया हूँ 11:30 बजे के लगभग, और मैंने ये देरी है सूचना वहाँ कि वहाँ एक भी बच्चा नहीं है, और उन बच्चों को उन्होंने अध्यापक से बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हम प्रयास करें कि वो बच्चे आ सकते हैं हमारे विद्यालय में, अगर नहीं आए तो उन अध्यापकों को कहीं अन्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनका वहाँ पे भेज दिया जाएगा। सर एक 2 स्कूलों में हम गए हैं ना, एक बच्चा है और 2 बच्चे, वहाँ भी 2 टीचर्स हैं, तो कैसे में टीचरों की कमी नहीं है बाकी नहीं से? अगर है तो ऐसा कुछ है मेरी नॉलेज में नहीं अभी, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन कर लिया, अगर ऐसे कुछ है तो उनको भी जो नियमानुसार है ना उनका समायोजन कर दिया जाएगा। मामला तो संज्ञान में है, लेकिन जो दूसरे स्कूल में बच्चे नहीं आए वो बाहर के बच्चे हैं, जैसे बिहार साइड से हैं, वो दीपावली पे घर गए हुए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। और इस स्कूल में 4 बच्चे हैं जो आज छुट्टी पे, 2 बच्चे नहीं आए। तो आपको नहीं लगता कि इतना जो पैसा वेस्ट हो रहा है इन सब स्कूलों को करके एक बनाया जाए? हाँ ये तो है, या तो हमने प्रिंसिपल को इतला भी कर दिया है वो जबानी कि इन स्कूलों को इकट्ठा करके एक स्कूल बनाई जाए, एक ही स्कूल में रखा जाए बच्चों को, पैसा वेस्टेज हो रहा है। हम 2 जेवी टीचर हैं और 1 मिड डे मील वर्कर है, कुल 2 बच्चे हैं हमारे पास।
सर लाखों रुपया महीने की सैलरी आ रही है और मात्र दो बच्चे हैं, क्या आपने विभाग को कभी लिखित नहीं दिया? नहीं, हमने सूचना भेज रखी है बार बार कि हमारे पास केवल दो ही बच्चे हैं। अब जैसा विभाग अपना निर्णय लेगा उस हिसाब से कार्य होगा।